यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि मैम एक बात बताओ अगर हमारा सी स्कोर एवरेज है लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे उनके सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं तो क्या हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो ये स्टूडेंट्स आप लोग अगर स्पोर्ट्स एंड ई में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग एक बेटर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि आपके पास एक नहीं बल्कि दो दो ऑप्शन रहेंगे एडमिशन के

वेबसाइट पे एडमिशन डॉट यू ओ डी डॉट ए सी डॉट इन वेबसाइट यहाँ पे आपको ईसीए एंड स्पोर्ट्स दोनों का ही फुल मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें आपको नेम ऑफ कॉलेज देन नंबर ऑफ गेम्स एंड देन कितना सीट्स वहां पर अवेलेबल है ये पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी जाए की बात करें तो यहाँ पेटेगरी होती हैं जिसमें से आप मैक्सिमम थ्री में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ECA में टोटल 14 होती हैं जिसमें से आप तीन कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट किया जाता है तो आपको ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है जब फर्स्ट राउंड में आप लोग को सीट अलॉट होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी के स्कोर के बेस पे जो सीट मिल रही है वो भी एक्सेप्ट करनी है एंड दूसरा जो आपको स्पोर्ट्स एंड ईसीए के बेस पे सीट allot हो रही है आपको वो भी एक्सेप्ट करनी है अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे तो सिर्फ आपका CUET वाला स्कोर के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा तो ध्यान रखना है दोनों ही चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है स्टार्ट करते हैं ईसीए से